हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदर इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं एक नेचुरल गैस कंपनी विच इज़ गुजरात गैस। ये कंपनी इज़ नॉट डूइंग वेल, राइट। अगर हम देखें कि वो अपने एक हाई पे जो ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 43% डाउन है, ठीक है। तो क्या रीजंस रहे, अगर हम उसके पीई भी देखें तो एक टाइम पे 40x के पी पे था, वो अब 20x के पी पे। तो क्लियरली एक पी डी रेटिंग इस स्टॉक का हुआ है। तो क्या क्या रीजंस रहे कि गुजरात गैस इज नॉट डूइंग वेल, और आगे क्या एक्सपेक्टेशन है, और क्या क्या चीज़ें टर्न अराउंड हो रही है या नहीं हो रही है, वो थोड़ा सा इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग जस्ट वॉन्ट टू टेल यू मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्राइब, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो ज़रूर इन्वेस्ट इन द नॉटिंग वेबसाइट पर जाके एक बार मॉडल पोर्टफोलियो ज़रूर देखें हमारे। You will find one of the very very good stock or mutual fund or ETF portfolios there, जो आपको एक long term investing में बहुत ज़्यादा help करेंगे, ठीक है। अगर आप एक long term investor हैं तो I think it's a must have product। तो बहुत अच्छे discounts are going on currently with because Ganesh Chaturthi just went out, तो हमने मोदक coupon code एक start किया था which is going to expire very soon, which will give you 50% discount on model portfolios, ठीक है। और अगर आप दूसरे प्रोडक्ट्स भी लेते हैं हमारे स्टॉकोमीटर फंडोमीटर, तो आप कूपन कोड को यही यूज़ करेंगे तो आपको इवन हायर डिस्काउंट जो है इन प्रोडक्ट्स में मिलेगा, ठीक है। तो क्या रीजंस रहे, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो ये है कि भाई FY23 जो रिजल्ट रहा उनका, तो उनकी जो वॉल्यूम्स हैं, तो गुजरात गैस नेचुरल गैस की जो वॉल्यूम जो वो सप्लाई कर रहे हैं वो सिग्निफिकेंट डिक्रीज हुए FY23 में, ठीक है ना। तो उनका वॉल्यूम अगर हम देखें तो वो 10.7 MMSCMD, राइट, एक पैरामीटर होता है, वो ऑलमोस्ट 10.7 से 8.4 हुआ। तो ऑलमोस्ट 20% डिक्लाइन हुआ जो है उनके वॉल्यूम में एक साल में, FY22 से FY23, ठीक है। और उसका जो रीज़न रहा मेजरली वो रहा उनका जो ये CNG, आपको पता है नेचुरल गैस करती क्या है गुजरात गैस, आई होप आपको पता है कि गुजरात गैस एक सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, राइट। वो नेचुरल गैस मतलब हमारी जो CNG PNG ये जो बोलते हैं, ये नेचुरल गैस लेता है फ्रॉम मेजरली GSPL जो उनका पेरेंट कंपनी है, ठीक है, और काफ़ी अदर सोर्सेज से एज वेल, एंड देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस फोक्स, राइट। तो उसमें से अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा उनका जो यूज़ होता है, जो उनका सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जाता है वो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में जाता है, जो डोमेस्टिक प्लेयर्स में जाता है, ठीक है। तो जो नेचुरल गैस को एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं वहाँ पर जाता है। फिर ऑब्वियसली दे हैव CNG स्टेशन एज वेल, ठीक है, उनके कुछ 800 प्लस CNG स्टेशन हैं अगर आप गुजरात में देखेंगे, राजस्थान वगैरह में देखेंगे, राइट। एंड देन दे हैव अ PNG नेटवर्क एज वेल, मतलब पाइप नेचुरल गैस, घर पे जो हमारे पाइप नेचुरल गैस आती है तो उनका उसका भी नेटवर्क है, तो उसमें भी उनका कुछ वॉल्यूम जाता है। एंड देन दे आर कमर्शियल स्पेस एज वेल, मतलब रिटेल जैसे मॉल्स वगैरह अगर आप देखेंगे तो कमर्शियल जगह पे भी उनके नेचुरल गैस के सिलेंडर्स या जो थ्रू पाइपलाइंस बेसिकली वो जाता है। तो मेजरली जो वॉल्यूम डिक्लाइन हुआ है वो सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में हुआ था, जो और उसमें सबसे ज़्यादा था उनका 7.9, अगर आप ग्राफ देखेंगे तो 7.9 FY22 में वॉल्यूम था फ्रॉम डोमेस्टिक इंडस्ट्री, इट हैज़ डिक्रीज फ्रॉम 7.9 टू 5.2, तो विच इज़ ऑलमोस्ट 35% डिक्लाइन। तो रीज़न क्या रहे, और बाकी अगर हम देखें तो इट हैज़ नॉट, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है उस चीज़ का। यही समझना है कि ये जो डिक्लाइन रहा क्या ये आगे भी रहेगा और ये रीज़न क्या रहे, ठीक है। तो यही वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो मेजरली सबसे बड़ा फैक्टर ये रहा कि नेचुरल गैस, अब देखो जिसको CNG भरवाना है वो तो CNG भरवा लेगा, जिसको अब हमारे घर पे अगर पाइप नेचुरल गैस आ रही है तो फिर आई विल मोस्टली यूज़ इट, ठीक है। बट जब इंडस्ट्रीज में जाता है ना नेचुरल गैस, तो फिर ऑब्वियसली द प्राइस बिकम्स वेरी, दे आर बिकम वेरी प्राइस सेंसिटिव, राइट, बिकॉज उनके मार्जिन वगैरह उसी पर डिपेंडेंट है। तो जो प्रोपेन है विच इज़ LPG, वो नेचुरल गैस का एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है, सबको पता है, राइट। अब हम कुकिंग गैस को हम LPG भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब CNG भी यूज़, मतलब PNG भी यूज़ कर सकते हैं, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो प्रोपेन एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है विच इज़ LPG बेसिकली, ठीक है। तो प्रोपेन का जो प्राइस है, राइट, वो डिक्लाइन हुआ, ठीक है, और इसका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा इन 2022 स्पेसिफिकली। तो CNG मतलब नेचुरल गैस का प्राइस जो है बहुत ज़्यादा बढ़े। नेचुरल गैस एक बहुत बड़ा फ्यूल है और काफ़ी अलग अलग सोर्सेज हैं। प्रोपेन जो मतलब LPG जो आता है वो मोस्टली पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मतलब क्रूड ऑयल से आता है, ठीक है। नेचुरल गैस का प्रोसेस बिल्कुल अलग है,
अगर आपको ये सप्लाई चेन समझना है, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस कैसे डिफरेंट एकदम वैल्यू चेन्स हैं इसके, तो मेरे वैल्यू चेन वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे, तो आप समझ सकते हैं, थोड़े लंबे वीडियोज़ हैं बट आप समझ सकते हैं कि कैसे डिफरेंट है दोनों, ठीक है। तो ये काफ़ी डिफरेंट, मतलब सोर्सिंग भी डिफरेंट है, जैसे नेचुरल गैस कतर वगैरह से ज़्यादा आता है, क्रूड ऑयल जो आता है वो मेजरली सऊदी से आता है, तो एलपीजी ज़्यादा सऊदी वगैरह से या फिर रशिया से ज़्यादा आता है, तो ये इस तरह के काफ़ी डिफरेंट सप्लाई चेन्स है। तो नेचुरल गैस ज़्यादा यूज़ होता है वर्ल्ड वाइड, ठीक है, बिकॉज इट इज़ मोर इको फ्रेंडली और इसको प्रोसेस करने में ईजी रहता है, तो वो सारी चीज़ें हैं, तो वो मेजरली ये ईजी रहता है। तो अगर हम यूरोप में देखें तो नेचुरल गैस बहुत बड़ा यूज़ होता है। अभी जब ये रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ और रशिया एक बहुत बड़ा नेचुरल गैस सप्लायर है, तो उसकी वजह से नेचुरल गैस के प्राइजेस एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गए, बिकॉज यूरोप स्टॉप्ड यूजिंग नेचुरल गैस फ्रॉम रशिया और वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली क्रूड ऑयल भी बढ़ा था बट नेचुरल गैस के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़े थे एज़ कम्पेयर टू क्रूड ऑयल, तो उसका ज़्यादा ग्रोथ था। सिंस ये नेचुरल गैस स्पॉट प्राइजेस ग्लोबली ज़्यादा बढ़ गए और इंडिया भी काफ़ी बड़ा इंपोर्टर है नेचुरल गैस का, इंडिया तो प्रोड्यूस करता है, एटलीस्ट क्रूड ऑयल से ज़्यादा हम प्रोड्यूस करते हैं नेचुरल गैस, लेकिन फिर भी हम बहुत बड़े इंपोर्टर हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो है ये सारी चीज़ों पर हुआ कि भाई नेचुरल गैस हमने इम्पोर्ट करना शुरू किया और इसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो अब गुजरात गैस को ये महंगा पड़ने लग गया और एलपीजी उसके मुकाबले सस्ता हो गया, तो प्रोपेन जो है वो सस्ता हो गया उसके मुकाबले। और एक मोरबी रीजन है गुजरात में जहाँ पर टाइल्स और सेरामिक्स का बहुत बड़ा रीजन है, वो इंडिया का सबसे बड़ा है, शायद एशिया का सबसे बड़ा रीजन है, तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है नेचुरल गैस एज ए फ्यूल, ठीक है, वो टाइल्स वगैरह बनाने के लिए। तो दे स्विच टू एलपीजी because the prices of natural gas were higher for them in last year from propane, ठीक है, तो LPG से वो ज़्यादा हो गया, तो they shift, तो उन्होंने कहा कि नहीं हमें तो natural gas चाहिए नहीं, हम LPG यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जो है इस वजह से क्या हुआ कि शिफ्ट जो है पूरा इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा प्लेयर जो है दे शिफ्टेड टू प्रोपेन और LPG as compared to natural gas because it was coming costly to them, उसका इम्पैक्ट natural गुजरात गैस के वॉल्यूम्स पे पड़ा, वॉल्यूम्स पे बढ़ा तो उसकी वजह से वो नंबर्स ऑब्वियसली डिक्रीज हो गए क्योंकि प्राइसेस बहुत बढ़ गए तो डिमांड पे इम्पैक्ट होने लग गया। तो ये सिंपल ये मेजरली रीज़न रहा है मेजरली, ठीक है, कि गुजरात गैस इज़ नॉट डूइंग वेल फ्रॉम लास्ट वन ईयर, ठीक है। और अगर आप ये वाला चार्ट देखें, ठीक है, तो आपको समझेगा कि कितना ज़्यादा जो है नेचुरल गैस प्राइस। अब देखो आप इन दोनों को कंपेयर मत करो, आप ये मत सोचो कि एलपीजी जो है वो ज़्यादा महंगा है, नहीं, क्योंकि उन सब बहुत अलग अलग तरह के फ्यूल्स हैं, दोनों की अलग अलग इंटेंसिटी है उसकी, उसके हिसाब से नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। समझना हमें ये है कि ट्रेंड कैसे है। देखो आप नेचुरल गैस जो है एलएनजी वो कितना ज़बरदस्त ग्रोथ हुआ Q2 FY20 से Q3 FY22 में, स्पेशली आफ्टर द वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, और वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था एंड देन इट हैज़ स्टार्टेड डिक्लाइनिंग नाउ, ठीक है। एलपीजी भी बढ़ा था, ठीक है, बट इट डिडेंट इंक्रीज दैट मच, ठीक है। तो एलपीजी प्रोपेन भी बढ़ा था बट वो बहुत इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा, ठीक है, तो इम्प्रूव हुआ तो इसकी वजह से ये एक ऐसा टाइम था Q3 FY22 से लेके Q3 FY23 तक, ठीक है, तो एक डेढ़ साल जो है ये ऐसा टाइम था जिसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया था नेचुरल गैस प्राइसेस और एलपीजी काफ़ी सस्ता पड़ने लग गया था, तो ये उसकी वजह से काफ़ी लोग शिफ्ट हो गए और ये इम्पैक्ट होने लग गया, ठीक है। तो इसका ये मेजरली इम्पैक्ट रहा है, ठीक है। अब जो है ये देखना है कि क्या ये वॉल्यूम वापस आएगा। अब हमने देखा है कि प्राइस तो डिक्रीज हुए हैं नेचुरल गैस के वापस, ठीक है, तो क्या ये अब शिफ्ट वापस होगा? तो अभी वो ऑलरेडी होना शुरू हो गया है क्योंकि अब नेचुरल गैस के प्राइसेस काफ़ी आसपास पहुंच गए हैं, अभी भी थोड़ा महंगा है लेकिन देर आर फ्यू थिंग्स विच गवर्नमेंट हैज़ डन। फर्स्ट इज़ कि उन्होंने एक तो कमर्शियल यूज़ ऑफ एलपीजी, क्योंकि एलपीजी बहुत कुकिंग गैस है और गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह में गवर्नमेंट को काफ़ी सब्सिडी वगैरह देनी पड़ती है ना एलपीजी पे, तो अब गवर्नमेंट ने क्या करा है कि नहीं उन्होंने ड्यूटी लगा दी, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी कि भाई कमर्शियल यूज़ अगर एलपीजी होगा तो हम इसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा है, वैसे 2.75% की थी, अब इनको 19.25% कर दी है, तो दे वांट टू डिस्करेज कमर्शियल यूज़ ऑफ एलपीजी बिकॉज एलपीजी जो है उनको क्या कहते हैं, हम कुकिंग गैस की तरह काफ़ी ज़्यादा इंडिया में ज़्यादा वाइड स्प्रेड यूज़ होती है नेचुरल गैस से, ठीक है ना। तो इसकी वजह से उन्होंने एक तो ड्यूटी बढ़ा दी, तो इससे जो है वो प्राइस एलपीजी का प्राइस बढ़ गया और ओवरऑल ग्लोब में भी अब क्रूड ऑयल के प्राइस वापस बढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं $93 हो गया है बैरल, तो उसकी वजह से भी अगर हम अरामको वगैरह का देखें नंबर्स तो दे हैव ऑल्सो इंक्रीज्ड जो है एलपीजी या प्रोपेन प्राइसेस। तो इसकी वजह से अब एक्सपेक्टेड है कि वेरी सून और ऑलरेडी हो गया होगा शायद जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ऑब्वियसली आई डोंट हैव लेटेस्ट डेटा, बट अब जो है एलपीजी इज़ अगेन बिकमिंग हायर
priced than the natural gas. तो अब expected है कि again the shift should start basically happening, कि जो वो industry जो demand थी वो वापस जो है वहाँ पर natural gas की तरफ आनी चाहिए, और गुजरात जो gas है again they should get back their customers, जो domestic industries थी again उनका volume जो है वो बढ़ना चाहिए. Obviously it will take time, this shift takes time, 2-3-4 quarters लगेंगे इसमें, but FY25 से we should start seeing this shift back. Expected ऐसा है कि भाई अगर unless until something changes again in the prices, ठीक है. तो ये अब basically रहा है. अगर हम मैनेजमेंट की गाइडेंस भी देखें राइट, तो एक तो वो केपेक्स प्लान कर रहे हैं 1200 करोड़ रुपए का, ठीक है. उन्होंने सीएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने का, पीएनजी सेटअप करने का, दे हैव राजस्थान में और अहमदाबाद रूरल और थाने वगैरह में भी दे हैव लाइसेंसेज टू प्रोवाइड पाइप नेचुरल गैस घर में, तो वहाँ पर भी दे आर डेवलपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसमें पैसा खर्च करने की बात कर रहे हैं. उन्होंने ये भी बोला है कि हम 60 से 70 सीएनजी स्टेशंस एवरी ईयर डालेंगे, ठीक है ना. तो ऑब्वियसली अभी करंटली उनके पास 800 है. मार्केट को बहुत अच्छी नहीं लगी ये बात, उन्होंने कहा कि भाई 800 है, सिर्फ 60-70 डाल रहे हैं, तो इसका मतलब दे आर नॉट वेरी होपफुल कि बहुत बढ़ेगा ये चीज़ें. अब देखते हैं वो, बट कुछ चीज़ें हैं अभी भी विच इज़ वरीसम. ऐसा नहीं है कि समथिंग विच इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा आने वाला है, ठीक है. ओवरऑल गवर्नमेंट का फोकस एज अ नेचुरल गैस इलेक्ट्रिक व्हीकल वर्सेज सीएनजी व्हीकल्स, ये सारे क्वेश्चंस अभी भी जो है वो गुजरात गैस पे रहेंगे, ठीक है. बट ऑब्वियसली मेजर वॉल्यूम जो है वो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज से है, तो एटलीस्ट वो अगर वापस आता है उनको, तो उसके बाद उनका एक डिसेंट ग्रोथ विल स्टार्ट. मे बी बहुत हाई जो एक्सपेक्टेशन था ग्रोथ का, एक 15-20% प्लस, वो अब कैसा है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कैसी रहती हैं, और ओवरऑल ग्लोबल में प्राइस कैसे रहते हैं, कितना वोलेटिलिटी रहता है, वो सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है, आगे. बट अगेन आई थिंक द कंपनी शुड स्टार्ट अगेन एक ग्रोथ पाथ पे, ठीक है. और होपफुली द प्राइस ऑफ द मतलब जो PE है अब वो कितना एक तरह से डीरेट तो हो ही गया है, 20x पे आ गया है. अब इसका रीरेटिंग वापस होगा या नहीं होगा, या इसी वॉल्यूम इसी पे रहेगा, और आगे जो भी उनका वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, जैसे भी प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है उस हिसाब से इंक्रीज़ होगा. तो दैट वी विल हैव टू बेसिकली चेक एंड सी शॉर्ट टर्म में कैसा रहता है, ठीक है. तो दैट इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू टेल, बिकॉज मेनी पीपल आस्क्ड अस अबाउट दिस फ्रॉम गुजरात गैस परस्पेक्टिव, क्योंकि एक नेचुरल गैस काफ़ी फोकस रहा है गवर्नमेंट का लास्ट 4-5 साल में एज ए सेक्टर. गुजरात गैस हैज़ बीन डूइंग वेरी वेल राइट, बहुत अच्छा एक स्टॉक रहा है, बहुत अच्छा ग्रोथ दिया है उसने ओवरऑल काफ़ी इन्वेस्टर्स को, बट इट हैज़ नॉट डन वेल इन लास्ट. तो आई थॉट दैट आई विल टॉक अबाउट इट एंड टेल यू अबाउट इट. आई होप दैट आपको ये वीडियो अच्छा लगा. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए. अभी तक अगर investtrainer.in वेबसाइट नहीं चेक की है तो प्लीज़ चेक ज़रूर कीजिए. हैव अ ग्रेट टाइम हैंड दोस्तों. जय हिंद.